दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। 1 अप्रैल से बदल जाएगी सरकार की पेंशन स्कीम। नए वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2019 से नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इस स्कीम के तहत खाता खुलवाने वालों को टैक्स में पूरी तरह से छूट मिलेगी। सरकार ने NPS को PPF की तरह EEE यानी एजेंट का दर्जा दिया है। साथ ही NPS के तहत सरकार की ओर से दिया जाने वाला योगदान बढ़ाकर 14% कर दिया है। हालांकि कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10% ही रहेगा। NPS में पेंशन कितनी मिलेगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि 60 साल का होने पर आप कितनी रकम की एन्यूटी खरीदते हैं। जितनी ज्यादा रकम की एन्यूटी खरीदेंगे उतना ही ज्यादा रकम हर महीने पेंशन की मिलेगी। एन्यूटी इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपकी पेंशन वेल्थ कितनी है। 60 साल से पहले जितना फंड बना है उसके कम से कम 80% हिस्से की आपको IRDA द्वारा मान्यता प्राप्त इंश्योरेंस कंपनी से लाइफ एन्यूटी देनी होगी। इससे ही हर महीने पेंशन मिलेगी। बाकी बची 20% रकम आप कैश ले सकते हैं। 60 से पहले मौत होने पर नॉमिनी को पूरी पेंशन वेल्थ दे दी जाएगी। अब सवाल उठता है कि रिटायरमेंट पर कितना पैसा मिलेगा। उदाहरण से समझिए कि किसी व्यक्ति की उम्र 30 वर्ष है और वह NPS में प्रत्येक माह 5,000 रुपए निवेश कर रहे हैं। यदि आपको निवेश पर औसत 10% रिटर्न मिलता है तो रिटायरमेंट तक यानी 60 वर्ष की उम्र तक NPS फंड करीब 1,14,00,000 रुपए हो जाएगा। इस स्कीम के नियमों के मुताबिक रिटायरमेंट के समय आपको कुल फंड का कम से कम 40% एन्यूटी प्लान का परचेज करने में खर्च करने पड़ेंगे। इसके बाद बचा हुआ पैसा आपको लंप सम अमाउंट के तौर पर मिल जाएगा। ऐसे में यदि आप 50% का एन्यूटी प्लान खरीदते हैं तब भी आपको करीब 57,00,000 के करीब रिटायरमेंट के समय मिलेगा। इस योजना के तहत कैसे खुलता है खाता? नेशनल पेंशन स्कीम खाता आप किसी भी सरकारी और प्राइवेट बैंक में खुलवा सकते हैं। देश के लगभग सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों को POB बनाया गया है, इसलिए किसी भी बैंक की नजदीकी ब्रांच में अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इस योजना में दो तरह के अकाउंट होते हैं, Tier 1 और Tier 2। हर ग्राहक को एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर कार्ड उपलब्ध कराया जाता है जिस पर 12 अंकों का एक नंबर होता है। ये नंबर सभी लेन देन में काम आता है। तो MNS News Live की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS India डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।